जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वो घड़ी आ गई है। देश का महान स्टार इरफान खान अपनी जिस विरासत को छोड़कर चले गए थे, अब उनकी इसी विरासत को उनके बेटे बाबिल खान ने आगे बढ़ा दिया है। बहुत जल्द ही आप लोगों को बाबिल खान बड़े पर्दे पर दिख सकेंगे। बाबिल खान का सीधा मुकाबला स्टार किड्स की उस फौज से है जो एक्टिंग के मामले में बिल्कुल जीरो हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जानबूझकर दर्शकों के ऊपर डाल दिया जाता है। कुछ देर पहले ही बाबिल यशराज स्टूडियो में पहुंचे थे, लेकिन यहां चंद मीडिया वालों को देखकर बाबिल खान फटाफट अपनी गाड़ी से उतर गए और लोगों से मिलने चले गए। पिता की तरह बाबिल ने सबको गले लगाकर सम्मान दिया। यशराज स्टूडियो में आने वाला हर एक्टर अंदर जाने के लिए बेताब रहता है, वो चाहता है जल्द से जल्द अंदर जाकर अधिकारियों से मिल सके। लेकिन बाबिल बिल्कुल नॉर्मल थे, वो लेट जरूर हो रहे थे, लेकिन बावजूद इसके चंद मीडिया वालों को देखकर वो वहां पर रुक गए और सबसे बातें करने लगे। जब मीडिया वालों ने बाबिल के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा तो बाबिल ने बिना छिपाए सब कुछ उन्हें बता दिया। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने बाबिल के साथ फोटो खिंचाने की गुजारिश की तो बाबिल ने खुद उन्हें बुलाकर फोटो खिंचवाई और उनसे हाथ मिलाया और बिल्कुल दोस्त की तरह करीब खड़े होकर साथ फोटो ले ली। हाँ, बाबिल इस वक्त स्टार किड्स की आंखों में चुभ रहे हैं। सबको इस बात का डर है कि वो इरफान खान का बेटा है तो एक्टिंग उसको विरासत में मिली है। अगर ये दर्शकों को पसंद आ गया तो हमारा क्या होगा। फिलहाल बाबिल की बढ़ती पॉपुलरिटी स्टार किड्स के दिलों में डर पैदा कर रही है। अब देखना यह है कि बाबिल खान अपने पिता की विरासत को कितना आगे बढ़ा सकेंगे। फिलहाल बाबिल के बारे में आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट में दीजिए और ऐसे अपडेट पाने के लिए 24 सिनेमा टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।